हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कृष्णा फ्रॉम एसपी पी स्कूल दैट इज मोस्ट अफोर्डेबल स्कूल इन द वर्ल्ड। 27 साल से अटका एक बिल आज पास होगा या नहीं, या पास होगा या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी हाँ, ये नया कानून बनने जा रहा है। यदि ये सर्वसम्मति से पास होता है तो एक नया कानून बनेगा जहाँ पे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी होगी। जी हाँ, और मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि जब हम महिलाओं की समानता की बात कर रहे हैं तो हर जगह, खास करके वहां जहां से बिल और सारे कानून बनते हैं, तो वहां पे महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं। और जो भी इसके खिलाफ है कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, एससीएसटी को बस नहीं मिलना चाहिए, यार पहले एक एक कदम तो आगे बढ़े। मेरे हिसाब से एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और इस बिल को, ये जो 27 साल से अटका हुआ है, इसको पास करना चाहिए। ये एक्चुअली हुआ था 1996 में, इस बिल को लाया गया था यूपीए की सरकार में, इस बिल को राज्यसभा में बल्कि पास भी कर दिया गया था 2010 में, लेकिन ये लोकसभा तक नहीं आ पाया था। तो अभी ये लोकसभा में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध भी किया है सभी से कि इसको सर्वसम्मति से पास किया गया। इसका मतलब 545 में 164 या 65 महिलाएं होंगी। जी हाँ, और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा अगर ये इंडिया करता है। तो आप जो भी आपके डाउट हो तो आप ब्लॉग पे भी पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पे और ज्यादा बात कर सकते हैं, पहले इस पे अधिनियम को आ जाने देते हैं। ओके, इसी प्रकार के वीडियोस के लिए बने रहिए और मिलते हैं स्कूल पे।